हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू केएसबीटी सिस्टम। आज हम नाइफ की एक ड्रिल कर रहे हैं और ये एक हमारा जो क्लास का सेशन है उसी के बीच में हमने लाइव किया है। तो अगर आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं इस टाइम, तो आप लोग हमारे साथ साथ सीख सकते हैं लाइव। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसे लेसन मान सकते हैं, पूरा लेसन। आप लोगों को सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें बारीकियाँ मैं आपको इस लाइव में बताने वाला हूँ कि जो आपका एंगल फाइव होता है और बहुत कॉमन अटैक होता है नाइफ का, हम इसमें अटैक करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है वो हम करने वाले हैं, और फिर ड्रिल कैसे की जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी टेक्निक को करते हैं, हमने उसे 5-7 बार 10 बार किया है, तो उसमें एक प्रॉब्लम यह होती है कि उसे हम रियल टाइम में नहीं कर सकते। हमें लगभग हजारों बार उस ड्रिल को करना है और फिर जाके वो हमारे रियल टाइम में यूज हो पाएगी। तो आप ड्रिल कैसे करेंगे, बार बार कैसे उसे प्रैक्टिस करेंगे, उसकी बारीकियां क्या है, उन चीज़ों को समझिए। सबसे पहले तो अगर आप लोगों का सेल्फ डिफेंस सिचुएशन है, तो आपका जो हाथ है वो ऊपर होना चाहिए। अगर हाथ ऊपर नहीं है, नीचे है, तो एक हमारी बॉडी का, माइंड का एक कनेक्शन होता है हाथों के साथ, जहां हमारे हमारे ब्रेन को पता होना चाहिए कि हमारे हाथों की पोजिशन क्या है। अब देखिए कि यहाँ से जब कोई अटैक करेगा तो उसका टारगेट क्या होता है, यूजुअली नीचे होता है। अगर हम उसे स्लिप भी करेंगे किसी तरीके से, तो ऊपर की ओर कहीं भी लग सकता है। तो पहली चीज ये है कि जो अटैक की पोजीशन है वहां से मुझे साइड होना है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम क्या करें, उससे मूव तो हो लेकिन दूसरे को टेलीग्राफ ना करें, ठीक है। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब हम मूव करें तो हम कहीं ना कहीं दूसरे को थ्रेट भी दें। अगर हमने दूसरे को थ्रेट नहीं दिया है तो वो कंटिन्यूअस अटैक करता रहेगा। तो हमारे 2-3 चीजें हैं, एक तो हो गया हमारा मूवमेंट, दूसरा हो गया उसका हम पास कैसे करने वाले हैं, और तीसरा हो गया कि हम दूसरे को थ्रेट कैसे दें कि दूसरा अपने उस एक्शन को रोके। तो सिंपल ड्रिल है, आपको हाथ ऊपर रखना है, दूसरे ने अटैक करना और आपको मूव होना है, इधर को आपको क्या करना है, पास करना है और फिर आपको होल्ड करना है। जैसे 1 ये किया पास, होल्ड कर लीजिए। जब आप होल्ड करेंगे आपको इसे पुश करना है, जैसे पुश करेंगे हल्के से, ड्रिल के लिए आपको हल्के से इसे पुश करना है। पुश करने के बाद हाथ शिफ्ट कीजिए और अंदर की साइड से, यहां से आपको इसे बाहर के साइड को प्रेस करना है। फिर ये छोड़ देंगे। अब मेरी टर्न आएगी, मुझे क्या करना है, हिट करना है। मेरा टारगेट है पेट, क्या करोगे, यस पुश होल्ड यस, और यहां से ये वाला जो हाथ होगा, अब देखिए इस हाथ से आपको क्या करना है, होल्ड करना है। देखिए फर्स्ट टाइम मैं इनको सिखा रहा हूं, तो अगर आप इसे कर रहे हो तो आप भी इसे इसी तरह से सीखेंगे, आप भी यही गलतियां करेंगे। अंदर की साइड से आपको बाहर की साइड पुश करना है और नाइफ ले लेना है, ठीक है। अब आप अटैक करेंगे, अटैक किया, मैं मूव हुआ, हैंड मैंने पास किया। देखिए मेरा जो दूसरा हाथ है वो रियलिटी में मैं क्या करूंगा, आइस को टारगेट करूंगा, ठीक है। जैसे कीजिए ये देखिए, मैंने क्या किया, आइस को इसको पास किया, 45 डिग्री पार गया हूं और मैंने आइस को हिट किया। उसके बाद मैं अपना हाथ वापस लाया, फिर मैंने इस हाथ को पुश किया। यहां पुश करने का तरीका ये है, हाथ से पुश कर सकते हैं, हैंड से या शोल्डर से आप बम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको हाथ पकड़ना है, नाइफ ले लेना है। 1 पास होल्ड हिट यस पास कीजिए, यस कम दिस साइड। अब इस साइड से देखिए, यहां पे हूं, से मेरी जो रीच है वो क्या है, हाथ मुझे और हाथ को, मुझे हाथ को बाहर करके प्रेस नहीं करना है। जैसे मैं ये करूंगा तो हाथ खींच लेंगे, जो दूसरा होगा वो हाथ कहीं ना कहीं अपनी तरफ को हिट करेगा। मेरा हाथ जैसे ही आएगा, तो ये टेंडेंसी होती है, ये आदत होती है कि सपोज करो मैंने क्या किया, उसके हाथ में नाइफ है, उसने हिट करने की कोशिश की, मैंने हाथ अंदर को डाला, तो आपको ये कट करना है, ठीक है। चलिए एक गेम खेलते हैं छोटा सा, जैसे ये हिट करेंगे और मेरा हाथ अगर आपको दिखे तो आपको हाथ कट कर देना है, यहां नहीं करना, ठीक है, मींस नेचुरल वे में। चलिए ठीक है, ये देखिए इतना, मतलब मैंने जैसे ही हाथ क्या किया है, आगे को किया, इन्होंने कट कर दिया, देखो करो, यस कट, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे ही हाथ बढ़ाऊंगा ये कट करेंगे, तो यही रियलिटी है। जब कोई नाइफ से हिट करता है, हम हाथ आगे को डालते हैं, तो यूजुअली हमारे हाथ में नाइफ ही आता है,
हाथ के बजाय, इसलिए हमारी बॉडी को टेलीग्राफ नहीं करवाना है। तो मेरा हाथ इधर रहेगा, मैं वेट करूंगा कि कोई हिट करे। अब आपको हाथ हटाना है, ठीक है, जब मैं करूं सी, अब हाथ हटाना मुश्किल है क्योंकि मैंने टेलीग्राफ नहीं किया है। यहाँ पे है ये, मुझे जाने देना उसका जो फ्लो है, उस फ्लो को यहाँ टारगेट करना। टारगेट करो ये। अब देखिए, अब मेरा हाथ देखिए, हाथ कहाँ है मेरा, यहाँ पे मैंने आईज में हिट किया, देन आई विल होल्ड एंड पुश। जैसे पुश करूंगा अब उसके बाद में नाइफ ले लूंगा, ठीक है, नाइफ लिया। अब मैं दिस इज माय टर्न, यस यस गुड, हम ये हिट कर रहे हैं, पुश होल्ड। अभी हम हिट नहीं कर रहे हैं, बस हैंड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके लो, यस ओके ओके, कम वन टू सी, आपका बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। करो वन, हिट किया, प्रेस किया, होल्ड किया, ये किया, अब ये आपका एक मूवमेंट बन जाता है। देखिए अगर हम इसे 1 2 3 में काउंट करें, 1 2 3 4 एंड 5, अब जब आप इसे बहुत बार कर चुके होंगे फिर ये इस तरह से हो जाएगा, कम सी, 4 स्टेप्स हो गए हैं एंड 5, ठीक है, लो 1 यस 4 ये और प्रेस, मैंने इस तरह से होल्ड किया है। हमारा जब किसी के हाथ में नाइफ होता है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग है तो, और ये जो है ब्लेड है, तो मुझे ब्लेड के अपोजिट साइड से उसे हाथ को, मैं इस साइड को प्रेस कर रहा हूं अपनी तरफ और इसे अपोजिट साइड में कर रहा हूं, बूम दिस साइड, ओके, देन आई कैन हिट, ओके रेडी रेडी, ओके लेट्स सी, समझना टारगेट, आपको 45 डिग्री जाना है, हाथ को वाइड नहीं करना है, रेडी यस ओके रेडी यस पुश, दिस इज 1 2 1 2, ओके सो बूम, दिस इज, ये हमारा हिट होगा, बूम ठीक है, पकड़ो यहां मेरा हाथ है, बूम दिस ओके, ये बूम, ये हमारा मूवमेंट होना चाहिए 45 डिग्री, ये दिस इज बूम, रेडी यस ओके गुड, तब यह उन्नति का, यस यस चिनो यस गुड, ओके गुड, दिस इज ओके नाइस, यहां से जैसा हूं, और इफ यू वांट टू यूज योर पंच गो इनसाइड, व्हेन यू पंच समवन देन टेक दिस नाइफ, यस नाउ सी, इट इज नॉट लाइक दिस, ये ऐसे नहीं है, अगर ये नाइफ है तो कोई मतलब ही नहीं कि हम इसको ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ के कर लेंगे क्या, नहीं तो हमारा हाथ कट जाएगा। ये जो है साइड, ये साइड ब्लेड है, ये साइड नहीं है, ओके सो वी विल प्रेस दिस साइड, और अगर दोनों साइड ब्लेड है तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, और या तो फिर हम यहां ब्लेड में हाथ नहीं डाल सकते, देन वी विल गो फॉर दिस, ओके बट अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि इस साइड ब्लेड है, सो वी आर प्रेसिंग दिस साइड, यस गुड गुड अगेन, यस पहले से बना के नहीं है, रेडी रहना है, ओके जब भी आप ड्रिल करें आपको रेडी रहना है, ऐसे बना के नहीं रखना उसको, दूसरा आपका समझ जाएगा, आपने उसे पहले बता दिया मैं क्या करने वाला हूं, आपको रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रिलैक्स, हाथों को सेंटर में, यस यस ओके दोबारा, रेडी
ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे नहीं लेना बिल्कुल हार्ड, ओके यस, द मोर यू विल बी रिलैक्स द मोर योर रिफ्लेक्शन विल बी विल वर्क. सी मैं यहां पे हूं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये है, मैं दूसरे को बता रहा हूं मुझे लड़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर उसने अटैक किया, अटैक कौन, सो देन ओह दिस इज यस यस दिस. नाउ सी अगर ये मूवमेंट में मैं इस साइड हूं और ये ऊपर की तरफ आता है, देन आई विल सी व्हाट वी डू. सी व्हाट वी डू, विल टारगेट दिस हियर दिस साइड एंड पुश दिस, ओके, एंड तो आपको जो करना है आप इसे मूव कीजिए, यहां पे आप पहुंच गए हैं, मूव कीजिए, मूव ब्रेक इट व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट इतना मौका आपको रियलिटी में मिलेगा नहीं, बट आपको जो करना है वो भी करना है. यस मूव हिट किया सी अपर कट फेस में योर बॉडी शॉट, जो आपको करना है यहां पे है. बेस्ट थिंग इज दिस, जैसे मैंने शूज पहने हैं, टारगेट दिस वन, ओके बूम, देन गो विद दिस नाइफ, तब आप नाइफ का यूज कर सकते हैं इस तरह से. ओके लेट्स डू द ड्रिल अगेन, 1 2 3 4 यस नाउ दिस टारगेट, बी रेडी बी रेडी, आई एम हियर, यस होल्ड, यस yes okay yes this is hold take okay now take it. And yes second mistake क्या हम कहें कि अभी शुरुआत है उसमें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर हाथ की पोजीशन देखोगे तो मैं इधर पुश कर रहा हूँ, करो पुश कर रहा हूँ और अपना हाथ कहीं यहाँ रखा है मैंने, इससे क्या होगा अपना ये हाथ कटेगा, ठीक है, जैसे मैं क्या हूँ ये, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, आपका हाथ कहीं इस साइड है, होल्ड ब्रेक कम दिस साइड टेक नाइफ, नाउ वन नाउ कंटिन्यूस हिट होम हिट टेक नाइफ यस कंट्रोल वेल कंट्रोल कंट्रोल हिट 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 यस दिस गो यस होल्ड दिस होल्ड हिट होल्ड पास वेल पास सही से करो, ठीक है पास हमें हाथों को ऊपर रखना है लेना है यस गुड होल्ड हिट हिट गो ऑन दिस साइड ना सी ऊपर दिस साइड बट एटलीस्ट यहाँ पे आप देखोगे कि जब हमें ये आदत बन जाती है तो नाइफ कहीं ना कहीं हल्का सा पार्ट तो जाएगा, ओके यस गिव यू माय टारगेट इज योर स्टमक एरिया यस एंड व्हेन समबडी कम्स इनसाइड यस ओके This is, जो हमने पिछली टेक्निक सीखी थी नाइफ में नाइफ डिसार्मिंग की कम इवन आप उसमें भी जा सकते हो फिगर फोर यूज कर सकते हो फिगर फोर एक हमने टेक्निक जो पिछली टेक्निक आपको बताई थी डाउन साइड कम हिट फिगर फोर लेफ्ट साइड यहाँ होल्ड कर सकते हो सो देयर आर सो मेनी ways to do the same thing
आप एक ही चीज को बहुत तरीके से कर सकते हैं, नहीं फिगर फोर नहीं, आपको वही करना है फर्स्ट कॉलर में, ओके यस दिस इज सो होपफुली यू लर्न समथिंग। आपको लास्ट में एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में लाइव खत्म करेंगे। और अगर आप हमारा वीडियो बाद में देख रहे हैं चैनल पे, तो 7 बजे आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं, उसमें हम आप लोगों को एक टेक्निक डेली बताएंगे सेल्फ डिफेंस की, और घर में आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो बताएंगे। तो लास्ट में एक बार फिर से यहाँ से इस ड्रिल में ये है कि हम एंगल जो हमारे एंगल 5 एंगल्स आप लोगों को पता है, 1, 2, 3, 4 and 5 फाइव एंगल्स हैं नाइफ अटैक के, और हम 5th एंगल पे क्या कर रहे हैं आज ड्रिल कर रहे हैं। सो दिस इज 1, ओके होल्ड प्रॉपर पास, देन होल्ड यस पुश कम दिस साइड एंड पुश कम दिस साइड, ओके नाउ दिस इज हैंड्स शुड बी अप, और आपका जो नाइफ हो उसे आप पुश करेंगे होल्ड करेंगे यहाँ आपका, ओके फर्स्ट वाला ओके फिफ्थ एंगल यस पास, मैंने क्या किया आईज में किया हिट, लेकिन आपको आईज में नहीं करना है, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आपको शोल्डर टारगेट करना है, शोल्डर पे टारगेट कीजिए कम कम दिस इज हम दिस साइड पास एंड हिट ऑन शोल्डर कम होम होल्डर होल्ड दी हैंड देन यू आर गोइंग विद शोल्डर शोल्डर पे आप बाउंड करेंगे, उसके बाद जब आप आएंगे तो आपको हाथ इस तरह से होल्ड कर लेना है नाइफ ले लेना है। हम मिलते हैं कल की क्लास में, टिल देन गुड बाय टेक केयर।